तो देखिए हम लोग का जो क्लास है ये एनसीईआरटी सीरीज है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग का चल रहा है, जैसे कि अभी सब आप लोगों को बता देता हूँ कि एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग का 9 और 10th को लेकर के चलने वाले, ठीक है। 9th में जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टॉपिक हैं और आपका 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में 40 मार्क्स जो कि टेक्नीशियन है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने ऐप में भी बहुत सारे लोगों का था कहना कि एनसीईआरटी सीरीज को चलाया जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सीरीज का आज पहला क्लास है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, और बेसिक से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ने वाले, किस तरह कैसे कैसे क्या होगा, पूरा बेसिक तरीके से, ठीक है। इस क्लास को आप लोग पूरा कंटिन्यू देखना, ठीक है। और अगर कोई नोट्स करना चाहता तो नोट्स कर लेना, एक आपके पास प्रॉपर नोट्स हो जाएगा, और ऐसा नोट्स एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा देखना नहीं, बस रिवीजन के समय इसको आपको निकालना है। और जो कोई भी रेलवे का टारगेट बैच हम लोगों ने लॉन्च किया, पर डे हम लोग टारगेट देते हैं, मैथ रीजनिंग का देते हैं, तो वो अगर नहीं जिन्होंने किया वो भी आप लोग कर लेना। ऐप का लिंक मैंने दे दिया नीचे, शिवम क्लासेस धनबाद, गूगल प्ले स्टोर पर जाना, 99 का कोर्स होगा, वहाँ पर कर सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला आज का जो टॉपिक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। अच्छा, हम लोग इसे पीछे वाला क्लास में क्या देखे थे, पदार्थ के बारे में पढ़े थे, क्या पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग जैसे मनुष्य पदार्थ बोलें क्या, तो हम लोग का वातावरण में हम लोग किससे घिरे, पदार्थ से घिरे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं कि पदार्थ से घिरे, बेंच है, लकड़ी है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी, ये सब क्या है, पदार्थ है, ये सब क्या है, पदार्थ से घिरे हुए हैं। वायु है, सांस ले रहे हैं, वायु है, हमारे अंदर पदार्थ है ना, हमारे अंदर ब्लड घूम रहा है, वो भी क्या है, एक तरह का पदार्थ है। तो हम लोग पूरे चारों ओर क्या है, पदार्थों से घिरे हुए हैं। तो अब किसी भी पदार्थ का प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगा, पदार्थ कहेंगे किसको, हमको तो पता है कि पदार्थ से घिरे, जैसे ये पेन भी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ का प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगा, तो पहले के जो दार्थ, अच्छा जैसे कोई भी चीज़ बना है तो वो किसी से मिलकर के बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है, ठीक है। कोई भी पदार्थ किसी बना, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना, जैसे ये भी बना होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, ठीक है। अब पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, और हमारे आसपास के बहुत सारे पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ क्या है, जैसे ये आपका सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, फिर जैसे पानी पीते हैं वो भी पदार्थ ही है ना, किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, फिर आपका गैसियस जो सांस ले रहे वो भी फॉर्म में है। तो अब ये पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हमको देखने को मिलती है, और हम इन चीज़ों से क्या हुए, घिरे हुए हैं। तो पहले का लोग का बोलने का मतलब था कि पदार्थ किन किन चीज़ों से मिल करके बना, कोई भी चीज़ किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता था, तो पहले का जो दार्शनिक का कहना था कि पाँच चीज़ों से पदार्थ का निर्माण किन से हुआ, पाँच चीज़ों से मिल, कोई भी पदार्थ का पाँच चीज़ों से निर्माण हुआ, किसे किसे हुआ, जल से, अग्नि से, हवा से, और जल, अग्नि, हवा, और क्या था, वायु था, और गगन, है ना, इस तरह बोला था, बोला जाता है पांच चीज़ों से होता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, साइंस का विकास हुआ, तो बोला गया कि पदार्थ जो है छोटे छोटे किससे मिलकर बना, कण से मिलकर, अणुओं से मिलकर बना, है ना, छोटे छोटे कण, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, अणु बोलते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है ना, छोटे छोटे कणों से मिल, अणु नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे पदार्थ किससे मिलकर के बना है, कण से मिलकर के बना, और उन कणों का नेचर क्या होता है उसको हम लोगों को पढ़ना है, उस कण का नेचर अलग अलग पदार्थ के अवस्थाओं में कणों का नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है, जिससे हम लोग सेपरेट कर पाते हैं, कोई क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। पदार्थ में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, देखे कहाँ तक लिखवाए थे, है ना। तो पदार्थ, अब पदार्थ को कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी चीज़ पदार्थ, तो पदार्थ को पहचानने के लिए होगा क्या, तो पदार्थ के पास क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है, पदार्थ का क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है, मास होता है, ठीक है। फिर पदार्थ का क्या होता है, अपना फिक्स वॉल्यूम होता है, क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम, आयतन होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। फिर पदार्थ में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, विरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस ऑफर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को पदार्थ बोलने से पहले ये तीन चीज़ हमको क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पदार्थ। जैसे इसी को हम लोग, ये मार्कर को पदार्थ कैसे बोलेंगे, तो मार्कर को पदार्थ हम लोग इसको बोलेंगे, इसका अपना द्रव्यमान होता है कि नहीं, कुछ तो
5 ग्राम 10 ग्राम कुछ हो रहा होगा। फिर इसका एक अपना आयतन है कि नहीं है, फिक्स वॉल्यूम है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, ये विरोध उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे अभी इस पर फोर्स लगा रहे, कम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, धक्का धक्का मतलब घसक तो नहीं ना रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये विरोध उत्पन्न कर रहा है, जैसे हम ज़्यादा बल लगाएंगे तभी सरकेगा। तो ये भी एक आपको ये बताएं इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन में देता है, ठीक है। तो पदार्थ को पहचानने के लिए, कोई भी दुनिया में पदार्थ होगा उसका अपना मास होता है, आयतन होता है और विरोध उत्पन्न करता है। अब इस आधार पे पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, नहीं सॉरी कितने कैटेगरी में बांटा गया, 5 कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन विशेष ध्यान देना आपको 3 ही कैटेगरी में। अब 5 कैटेगरी में पदार्थों को बांटा गया, पहला क्या है, सॉलिड। सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग, ठोस। दूसरा क्या है आपका, लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव है ना, या तरल बोल सकते हैं, तरल। तीसरा कैसे क्या है आपका, गैस, गैसियस स्टेज, गैस हो गया। चौथा क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा हो गया। पांचवा क्या है, बोस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। पदार्थ की पांचवा अवस्था है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ सॉलिड है, अच्छा सॉलिड के एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं आप लोग, पत्थर, स्टोन, पेन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिक्विड के एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, वाटर हो गया, शहद हो गया, कुछ भी। गैस का, गैस में जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ETC, ठीक है। ये है, बाकी इसको हम लोग आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोनों को, कैसे कैसे क्या, प्लाज्मा का और ये इसको BEC को, ठीक है। प्लाज्मा एक क्या होता है, जब गैस को हम ज़्यादा हीट देते हैं ना, हीट देने के बाद वो क्या होता है, वो उसमें आयंस डेवलप हो जाते हैं ना, उसी स्टेट को प्लाज्मा, और डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को आगे, ठीक है। तो ये पता, कोई भी चीज़ सॉलिड है, कोई भी चीज़ लिक्विड है, कोई भी चीज़ गैस है, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती है। अब सॉलिड कैसे है, लिक्विड कोई चीज़ कैसे है और गैस कैसे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, पदार्थ की फिजिकल, अच्छा कोई भी पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, ये एक स्टोन है, ठीक है, ये पत्थर है, ये किस चीज़ से मिलकर के बना, कोई भी पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, किससे, छोटे छोटे कण से मिलकर के बनता है, या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है, ठीक है। जैसे ये पत्थर, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया तो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा होगा, वो छोटा टुकड़ा जो हमको दिखाई भी ना दे उसी को क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और उस कण को हम अपने नंगी आंखों से देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, ठीक है, याद रखना, उनको अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। और वो जो कण होते हैं ना, कण जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। अब वो कण है, कण का कुछ प्रॉपर्टी है, कण का क्या है आपका, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ विशेषता, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब यही कण का विशेषता के कारण क्या होता है, हम लोग कैटेगराइज कर पाएंगे कोई भी सॉलिड क्यों है, कोई भी लिक्विड क्यों है, और कोई भी गैसियस स्टेट में क्यों है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। अब पदार्थ के कणों की विशेषता के बारे में पढ़ रहे हम लोग यहाँ पे। देखिए पदार्थ के कणों की विशेषता, यहां तक तो लिखे हुए थे ना आप लोग, पदार्थ के कणों की विशेषता, कितना विशेषता था, 4 को था ना, 4 को था कि नहीं था, 5 को था, कितना लिखा है तुम लोग, 5 को लिखा है थे ना। तो पदार्थ के कणों की विशेषता है ना 4, अच्छा। कोई भी पदार्थ जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे कण से मिलकर के बना, तो पदार्थ के कणों की विशेषता क्या क्या होती है याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मैटर है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, पत्थर हो सकता है या चीनी का है या कुछ भी है, टुकड़ा है। अब ये पदार्थ किससे मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना, किसी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो एक कण के बारे में जो पढ़ेंगे वो सब कण पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए इसका कण का क्या होता है, तो प्रत्येक जो कण होता है, मान लीजिए ये कण है आपका, तो प्रत्येक कण का क्या होता है, अपना क्या होता है, प्रत्येक कण अपने जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, किसके कारण, उसमें गतिज ऊर्जा के कारण। तो प्रत्येक कण अपनी जगह पे स्थिर रहकर क्या करते हैं, गति में रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्या आपका लिखवाए थे हम लोग यहाँ पे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त, अच्छा और क्या होगा, पदार्थ के जितना कण होता है, हर एक कण के बीच क्या होता है, स्पेस होता है ना, है ना, स्पेस होता है। जैसे ये पदार्थ, ये दोनों के बीच, ये कण दोनों के बीच क्या है, स्पेस है।
है ना। तो हर एक पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, एक डिफिनिट स्पेस होता है, ठीक है। अब सॉलिड में कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा, गैस में और ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्या बताएं फिर, अब पदार्थ के कणों में क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल काम करता है, अंतर आणविक बल काम करता है। कौन सा कण काम करता है, अंतर आणविक बल काम करता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, प्रत्येक कण, पदार्थ के प्रत्येक कण अपने जगह पर स्थिर रह के क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो पहला क्या था बोले थे शुभम, पदार्थ के कण, पदार्थ पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पहला रिक्त स्थान है ना, दूसरा कण अपनी जगह स्थिर रहता है। हाँ, पदार्थ के कण के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान, क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा है प्रत्येक पदार्थ के कण स्थिर रहकर गति करते हैं, प्रत्येक पदार्थ के कण अपने जगह पर रहकर गति करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। तीसरा क्या था, पदार्थ के कणों के बीच अंतर आणविक बल पाया था, क्या था, पदार्थ के कणों के बीच, कणों मतलब क्या, पार्टिकल्स बोले, पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल, अंतर आणविक बल पाया जाता है। फिर चौथा क्या था, अच्छा अंतर आणविक बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। चौथा क्या था आपका, पदार्थ के कणों, प्रत्येक पदार्थ के कणों के पास क्या होती है, अपनी ऊर्जा होती है, अच्छा विसरण की प्रकृति भी होती है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ के कण, प्रत्येक पदार्थ के कण की अपनी क्या होती है, ऊर्जा होती है, किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ऊर्जा होती है, ठीक है। अब इसी चारों के आधार पे हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, समझ में आया, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे। अब पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, तो पदार्थ की पहला अवस्था जो है आपका किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, सॉलिड। तो सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग, ठोस। ठोस को कैसे डिफाइन करेंगे बोलिए, कोई भी पदार्थ ठोस है उसे कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ठोस वैसे पदार्थ को कहते हैं जो क्या होते हैं, आयतन फिक्स और स्थान घेरे, और देखिए वैसा पदार्थ जिसको हम लोग ठोस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, ये ठोस है कि नहीं है, सॉलिड है, ठीक है, इसका अपना द्रव्यमान है, इसका आयतन फिक्स है कि नहीं फिक्स है, इसका आयतन इतना जो वॉल्यूम है कहीं भी रखिएगा तो इतना ही ना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कहीं भी रखिएगा इसकी स्पेस बढ़ जाएगा, कहीं रखें इस रूम में रखें दूसरे रूम बढ़ जाएगा ना, तो ठोस है ये। तो ठोस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता था, ठोस सबसे पहले क्या होता, कठोर होता है, क्या होता है, कठोर, ये कठोर है कि नहीं, रिजिड होता है ना। तो ठोस पदार्थ, पदार्थ जो सॉलिड इसमें क्या कठोरता पाई जाती है, रिजिडिटी पाई जाती है, और इसका आयतन क्या होता है, फिक्स है, आयतन क्या होगा इसका, फिक्स। अभी इसमें जितना मान लीजिए कि कितना पानी अटता होगा इसमें, 20 लीटर पानी अट रहा है, तो अब दोबारा डाले तो 30 लीटर अट जाएगा क्या, क्योंकि इसका आयतन क्या है आपका, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। ठोस का क्या होता है, ठोस पदार्थ किसको बोलेंगे, ठोस वैसे पदार्थों को बोलते हैं जो क्या होते हैं, जो छूने में कठोर हो, जो छूने में क्या हो, कठोर हो, जो कठोर हो लिख सकते हैं, जो कठोर मतलब रिजिड, जो कठोर हो, ठीक है। अब बताएं क्यों कठोर हो रहा है, ठीक है, जो कठोर हो, और ठोस का क्या होता है, आयतन फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा क्या, जैसे कि मान ली यही बुक है, इविट सॉलिड है ना, तो इसका वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं फिक्स है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है, आयतन का मतलब क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होते हैं, ठीक है। और जिसका शेप एंड साइज अलग अलग होता है क्या, जैसे कि मान ली यही डस्टर है, सॉलिड है, कठोर है, छूने में कठोर है, इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, इसका वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है क्या, नहीं ना। अब इसको फोर्स लगाएंगे तो ये अपना क्या चेंज का आकार तो बदलेगा कभी क्या। ठोस वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो छूने में कठोर हो, जिनका आयतन क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, जो अपना आकार को ना बदले, आकार को ना बदले, आयतन फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स, और जिसका शेप एंड साइज भी क्या हो, फिक्स हो, शेप एंड साइज भी क्या हो, इसका फिक्स हो,
आकार, इसको हिंदी में क्या बोले, आकार निश्चित हो, आकार आपका इसका निश्चित होता है, ठीक है। तो ये इसका हो सकता है, ठीक है। अब देखिए पदार्थ के कणों के बारे में ये हो गया आपका। अच्छा पदार्थ में क्या होता है, अच्छा इसमें कंप्रेसिबिलिटी होता है क्या, इस पदार्थ मान लो सॉलिड है, इसको हम लोग दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं क्या, तो इसमें नेग्लिजिबल क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। ये कंप्रेस होगा क्या, एकदम नेग्लिजिबल है कि ये कंप्रेस होगा, तो इसको इसमें इसी कंप्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग, संपीड्यता, संपीड़ित हो सकता है, इसको दबा सकते हैं हम लोग, नहीं तो इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नगण्य संपीड्यता, इसको हम लोग क्या करते हैं, संपीड्यता इसमें हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना है। अच्छा ये अपना शेप एंड साइज को, अच्छा इसमें और सॉलिड में क्या होता है, देखिए सॉलिड में दिख रहा है क्या यहाँ तक नीचे वाला जो लिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी लिखेंगे यहाँ तो दिखेगा, चलिए आप देखिए सॉलिड में एक लास्ट यही सब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और सॉलिड में क्या होता है बोलिए, सॉलिड में प्रसरण की होती है, प्रसरण का गुण होता है, मतलब सॉलिड के कण दबाएंगे तो घसक जाएगा क्या, नहीं घसकेगा, समझ में आ रहा है, इसके सॉलिड में प्रसरण नहीं होता, तो सॉलिड के सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा है क्या, ये बोर्ड है, मान लेते हैं एक बोर्ड है, एक और डस्टर लाए और दोनों को दबा, डस्टर मिक्स हो गया क्या, नहीं हो गया, तो इसी को बोलते हैं सॉलिड का कण घसकेगा ही नहीं, क्योंकि वो रिजिड पकड़ा हुआ है कस के, ठीक है, याद रखना सॉलिड में प्रसरण नहीं होता है, सॉलिड में प्रसरण नहीं होता है ना, प्रसरण को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नहीं होता है, इतना ही पॉइंट है जितना आपको चाहिए। सॉलिड किसको बोलेंगे, जो छूने में कठोर है, जिसका आयतन फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो, शेप एंड साइज भी फिक्स हो, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नगण्य संपीड्यता हो, और उसमें क्या प्रसरण का गुण नहीं होता, ये ऑप्शन में ऐसा आता है एनसीईआरटी में, इसलिए पूरा लिखा दिया शॉर्ट में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अच्छा सॉलिड का डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, कम होगा कि ज़्यादा होगा, डेंसिटी मतलब घनत्व कम है कि ज़्यादा है, ये सॉलिड का घनत्व ज़्यादा है, घनत्व मतलब क्या कि कितना वॉल्यूम में, कितना उसके अंदर मास कंजर्व किया हुआ है, इतना वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मास बहुत ज़्यादा है कि नहीं, इसके अंदर, इसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के भरे हुए हैं एकदम, इसीलिए तो ये क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का घनत्व भी क्या होता है, इनका घनत्व ज़्यादा होता है, क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है ना, घनत्व बहुत ही ज़्यादा, हाई हाई डेंसिटी, इसको लिख सकते हैं हाई डेंसिटी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व, उच्च घनत्व, ठीक है। इसीलिए तो सॉलिड इतने पानी में तुरंत डूब जाता है, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट था जितना आता, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या क्या आप लोग लिख सकते हैं, सॉलिड का एग्जाम्पल बोलिए आप लोग, जितने भी मेटल है, धातु, जितने भी धातु हो गया, ठीक है, धातु में जैसे कि धातु नहीं बोलेंगे, धातु में बहुत सारा धातु लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो जैसे ले सकते सिल्वर, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, पेन हो गया, पेज हो गया, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉलिड किसको बोलेंगे, जिसका आकार फिक्स हो, आकार को बदलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए, बोर्ड भी क्या सॉलिड अपना आकार को बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा। अब बात करते हैं इसमें ये गुण आया क्यों, क्यों वो सॉलिड है, ठीक है, शेप एंड साइज फिक्स क्यों है, उसका डेंसिटी हाई क्यों है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था पार्टिकल्स। अब देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या चीज़ से मिलकर के बना, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर, पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, कण से मिलकर के बनते हैं। अब एक सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड का कण कैसा होता है, ये सॉलिड के बारे में पढ़ा, ठीक है, सॉलिड के कण के बारे में, नीचे इसको लिखिएगा, इसको मिटा देगा ऊपर वाला, अच्छा नहीं ऊपर, इसको रिलेट करेंगे इसी से, ठीक है, चार से रिलेट करने वाला है, इसके बाद है इधर से लिखवा रहे, ठीक है। तो सॉलिड, सॉलिड का मान लीजिए कोई चीज़ सॉलिड है, पत्थर है, ठीक है, पत्थर या ईंट कुछ भी है, लोहा है, ठीक है, लोहे का टुकड़ा, सॉलिड के कण जो होते हैं ना क्या होते हैं, बहुत ही क्या अरेंज वे में सजाए होते, क्या होते, बहुत ही सुनिश्चित ढंग से सजाए हुए होते, ठीक है, याद रखिएगा सॉलिड के
कण होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सॉलिड का कण क्यों ये ठोस है, क्यों दब नहीं पा रहा, तो सॉलिड के जो कण होते हैं ना क्या होते हैं, बहुत ही सुनिश्चित ढंग से सजाए होते हैं, अरेंज वे में होते, ठीक है। और इनके कणों के बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, ज़्यादा कि कम, बहुत कम होता है, ठूस ठूस के भरा हुआ एकदम नज़दीक में है, ठीक है। इसीलिए ये सॉलिड, इसके लिए हम दबा नहीं पाते उंगली से। और क्या होता है, बहुत ही नज़दीक है, और इनके बीच क्या होता है, और इनके कणों के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है कि कम होता है, मजबूत मतलब बॉन्डिंग का, हर एक कण के बीच का बॉन्डिंग बहुत ही क्या स्ट्रांग है, ठीक है। इसीलिए इसको हाथ से कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए इसको सॉलिड बोला गया, किसके कारण, इनके कण का अरेंजमेंट के कारण, कण के गुण के कारण। तो इनके बीच रिक्त स्थान क्या होता है, कम होता है, इनका अंतरानुक बल क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। अब बताना है इनके सॉलिड के हर एक कण का क्या होता है, अपना काइनेटिक एनर्जी होता है, पढ़े थे, तो इनका काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है कम होता है, कम होता है, इनमें गतिज ऊर्जा कम, और किसी में ऊर्जा आ जाए तो इधर उधर फ्रीली मूव ना करेगा, तो इसमें ऊर्जा होता है क्या, नहीं होता, नॉर्मल होता है, ठीक है। ऊर्जा उतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब मूवमेंट होता है पता नहीं चलता इसमें, ठीक है। तो ये अपने ही जगह पर स्थिर रहता है, अपने ही जगह पर स्थिर रहता है, और इसका गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये भी आपको ध्यान देना था सॉलिड में, इसको लिखवा दें क्या, कण कण के फॉर्म में। तो अब देखिए सॉलिड वाला है ना, सॉलिड मतलब क्या, ठोस, ठोस का कण के बारे में निकलवाते हैं ना, ठोस। तो पहला पहला क्या, सॉलिड के कणों कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है, रिक्त स्थान कम की ज़्यादा कम होता है। फिर दूसरा क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके कण के बीच आकर्षण बल क्या है, कम है कि ज़्यादा है, कोई नज़दीक है ना, तो कम जोर से ना पकड़ा हुआ होगा, नहीं जोर से होगा आकर्षण बल, कोई चीज़ चिपका हुआ नज़दीक है, ठीक है, तो जोर से पकड़ा हुआ होगा तभी तो चिपका हुआ। तो इसके आकर्षण बल क्या होता है, कणों के बीच कोई जोर से चिपका हुआ, तो आकर्षण बल ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, और चिपका हुआ तो स्पेस क्या है, कम होगा। तो बस वही है, कणों के बीच स्पेस मतलब रिक्त स्थान कम है, कणों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल, देखिए राइटिंग आप लोग देख लीजिए, कहीं कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा ही कम जोर, ज़्यादा मजबूत आकर्षण बल है ना, कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल, मजबूत आकर्षण बल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मजबूत आकर्षण बल होता है, अब क्या लिखना था इसका, प्रत्येक कण अपनी ऊर्जा होती है, बीच अंतरानुविक बल होता है, अच्छा ठीक है, ये चीज़ होगा, ये कण के फॉर्म में से, कण का कैसा अरेंजमेंट होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है, और कण क्या होता है, सुनिश्चित ढंग से सुव्यवस्थित सजाए होते हैं, कण क्या होता है, सुव्यवस्थित ढंग से सजाए हुए होते हैं। तो ये ऑप्शन में आता है सॉलिड का, ठीक है, ये बता दिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। अब इसका एग्जाम्पल, तो कोई भी सॉलिड इस तरह अरेंज वे में आपका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके किस स्टेट के बारे में, ये हो गया सॉलिड का पूरा प्रॉपर डिफिनेशन, ठीक है, ऐसा नहीं खाली ठोस होता है छूने से, ये पूरा प्रॉपर डिफिनेशन होगा, उसे घिस लीजिए, तो आप लोग जितना घिस रहे इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। चले कोई घिस डाल देना मुन्नू, ठीक है, हो गया ना। चलिए अब लिक्विड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, सॉलिड पढ़ लिए हम लोग, अब लिक्विड के बारे में, अब लिक्विड के बारे में आप लोग खुद बता पाइएगा। देखिए द लिक्विड स्टेट कैसा, द लिक्विड, लिक्विड के बारे में, लिक्विड मतलब द्रव, द्रव अवस्था, सॉलिड का कितना नंबर का अवस्था, द्रव द्रव का अवस्था, अच्छा द्रव का क्या होगा, द्रव का बताना है आप लोगों को, द्रव को परिभाषित कैसे करेंगे, तो वैसे पदार्थ, द्रव भी क्या एक तरह का पदार्थ है, पदार्थ की दूसरी अवस्था क्या, द्रव, तो द्रव वैसे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है, जिनका आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। अब सिंपल सा एक पानी का एग्जांपल लेते हैं, किसका लेते हैं, पानी का एग्जांपल लेते हैं, जो छूने में क्या कठोर होते हैं, नहीं होते, छूने में कठोर नहीं होते, तो अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे, द्रव के बारे में, द्रव जिनका आयतन क्या होता है, इसका आयतन, द्रव का आयतन, वैसे पदार्थ जिसका आयतन क्या होता है, फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है, ठीक है, आयतन मतलब क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम निश्चित होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, या फिक्स ही लिख दे रहे हैं। अब बताते हैं आयतन कैसे निश्चित होता है, और क्या होगा इसका शेप एंड साइज, आकार, आकार क्या होता है, आकार मतलब शेप एंड साइज, आयतन लिखे हैं, आकार,
बता दिए कहाँ गलत है, ठीक है। आकार का शेप एंड साइज आर नॉट फिक्स, आर नॉट फिक्स, अभी बताएं कैसे। और तीसरा में क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व के बारे में लिखा था ना इसका, है ना। अच्छा अब बताना तीसरा में क्या था, इनको कंप्रेस किया जा सकता है क्या, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, ये नेगली नॉट कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। अच्छा इनकम्प्रेसिबल, थोड़ा सा रुकिएगा, तो डिफ्यूजन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ बिटवीन। चलिए अब देखते हैं, स्टार्टिंग से यहाँ से करते हैं। सॉरी क्या बता, द्रव, द्रव का आयतन फिक्स होता है, बताइए आप लोग कैसे आयतन फिक्स होता है इसका। जैसे कि मान लीजिए इसी बोतल में, पानी डाले, पानी को इस बोतल में डाले तो इसका आयतन फिक्स है। एक लीटर पानी डाले तो पानी कितना रहेगा, एक लीटर ही रहेगा, समझ में आ रहा, आयतन फिक्स, इसमें हमेशा एक लीटर ही पानी अटने वाला है, तो द्रव का आयतन निश्चित हो गया। अब उसका आकार निश्चित है क्या, नहीं। यही एक लीटर पानी को हम लोग कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का शेप ले लेगा, थाली में डालेंगे थाली का शेप, आकार और आकार इसका शेप फिक्स है क्या, नहीं, लेकिन आयतन उसका फिक्स है। वही एक लीटर कहीं भी डाले एक ही लीटर लेगा, लेकिन जिस जिस बर्तन में डाल रहे हैं, जिस जिस पात्र में उसका क्या लेगा, आकार लेगा, उसका क्या लेगा, आकार। फ्रिज में जमाते हैं ना हम लोग, तो उसका आकार ले लेता है, तो आकार इसका निश्चित नहीं होता। अब आपसे पूछते हैं, द्रव कंप्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, सोच के बताइएगा, किया जा सकता है क्या, सोच के अपने थिंकिंग से बताइए, द्रव को लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, कठोर को कंप्रेस अभी तक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, द्रव को कर सकते, नहीं कर सकते क्या, सोच के बोले हाँ या ना, आपको क्या लगा, नॉर्मल सा ज्यादा दिमाग लेना है, देखते हैं, पानी को तो दबा ही सकते हैं ना, नहीं दबा सकते हैं, द्रव क्या है याद रखना है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, द्रव को पानी को दबाइएगा, द्रव इनकम्प्रेसिबल होता है। अब आपको प्रूफ दिखाते हैं, सुनिए यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं एक कंटेनर, देखो यहाँ पर कैसे इनकम्प्रेसिबल होता है द्रव, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, ये क्या आपका का कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, ये कंटेनर है। अब इसे मान लेते हैं इंजेक्शन, देखे हैं इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन है मान लीजिए ऐसा, ठीक है। अब इंजेक्शन का ये नीब है, इंजेक्शन का मान लीजिए नीब है, ठीक है। अब इसमें कुछ डाला हुआ मान लीजिए आपको पानी, कुछ फॉर्म क्या डाला हुआ आपका, पानी डाला हुआ यहाँ पे। अभी पानी नीब को यहाँ पे दबा दे, पानी डाला हुआ है, अब इसको कंप्रेस करते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेस करते हैं और यहाँ पे बंद कर देते हैं हाथ से, क्या ये दब जाएगा, पानी चिपक जाएगा, चिपका के देख लीजिए, फट जाएगा इंजेक्शन, यहाँ से लीकेज हो जाएगा, लेकिन चिपकेगा पानी कभी भी नहीं, चिपक जाएगा, चिपका दीजिए आप लोग, नहीं चिपकेगा, चिपकता है क्या, कोई लिक्विड नहीं चिपकेगा, सब स्याही भी ले लो, स्याही भी नहीं चिपकने वाला है, समझ में, उसको कंप्रेस नहीं कंप्रेस कर सकते हम लोग, कंप्रेस कर सकते क्या, नहीं कर सकते हैं। ऐसा है क्या, यहाँ पे एक लीटर को कंप्रेस करके आधा लीटर कर देंगे हम लोग, ऐसा नहीं तो क्या होगा, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल। अब आप सोचिएगा यही चीज़ कहाँ काम करता, अगर ये कंप्रेस होता तो हाइड्रोलिक मशीन कभी चल पाता, हाइड्रोलिक मशीन कभी चल पाता, देखते हैं जेसीबी, जेसीबी लंबा लंबा काला काला तार रहता है, तो वो क्या है, उसके अंदर लिक्विड ना भरा हुआ रहता है, अगर वो लिक्विड कंप्रेस होता तो उतना फोर्स मिलता है क्या उसको, नहीं मिलता, पानी धकेलता ही नहीं उसके अंदर का लिक्विड, इसका मतलब जितना यहाँ फोर्स लगा रहा उतना पानी वहाँ पे लेवल पे उठ के आगे चीज़ को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, अगर वो बीच में कंप्रेस होता तो उतना लिफ्ट कर पाता क्या, नहीं कर पाता, इसीलिए तो कंप्रेस, इसीलिए तो हम लोग हाइड्रोलिक मशीन में क्या लिक्विड यूज़ करते हैं, समझ में आया, क्यों लिक्विड यूज़ करते हैं, क्योंकि कैसा होता है ये इनकम्प्रेसिबल। अच्छा उसमें सॉलिड कहने डाल देता है, सॉलिड मूवमेंट नहीं ना करेगा, ये लिक्विड क्या होता है मूवमेंट कर, जैसे ही बल लगाएंगे यहाँ से तो वो सरक के ऊपर जा सकता है, ठीक है, और ऊपर वाला चीज़ कोई भी चीज़ को उठा रहा है उसको धक्का देगा, समझ में आया, इसीलिए हाइड्रोलिक मशीन जेसीबी हो गया या बड़े बड़े जो मशीन हो गया, ब्रेक देखते हैं, ब्रेक कभी यूज़ करते हैं उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक रहता है कि नहीं, उसमें क्या डाला हुआ रहता है, लिक्विड डालते हैं ना, हाइड्रोलिक ऑयल डाले हुए रहते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में ना तेल है, वो तेल कंप्रेस होता है क्या, चिपकता है क्या आपस में, नहीं चिपके, अगर चिपक के जाएगा तेल तो ब्रेक में नहीं लगेगा आपका, ठीक है, लगेगा क्या, समझ में आया, सुबह की कन्फ्यूजन है यहाँ पे आपको, क्लियर हो गया ना, अगर ये कंप्रेस होता है, मान लीजिए ये कंप्रेस चिपकता है यहाँ पे, तो कंप्रेस होता है यहाँ दबाते तो खत्म हो जाता, या फोर्स लगता ही नहीं लगता, ठीक है, अगर इसी की जगह मान लो कुछ यहाँ पर रखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर मान लो कुछ सामान रखते हैं, अगर ये कंप्रेस होता तो ये कंप्रेस होता तो सामान को धक्का दे पाता क्या,
नहीं ना, अगर ये कंप्रेस इसको धकेलेंगे तो क्या आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, समझ में आ रहा था। ये क्या होता है द्रव, क्या होता है इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्यता होता है, क्या होता है असंपीड्यता, याद रखना हिंदी में बोलते ठीक है, या इनकम्प्रेसिबल ठीक रहेगा ठीक है। द्रव कैसा होता है लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ठीक है। अच्छा तीसरा पढ़ते हैं अब, ये द्रव का एक द्रव का लेते हैं, जैसे कि द्रव का कैसे होगा, मान लीजिए इसमें पानी है, द्रव के बीच लिक्विड है, ये द्रव का क्या होगा, द्रव के जो छोटे छोटे अणु होंगे उनके बीच, ये द्रव इनके अणु के बीच रिक्त स्थान क्या होगा, ज़्यादा और कम होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, याद रखिए क्योंकि कंपेयर कर पाएंगे, इसको हम बोलो क्या करना है कंपेयर, हाँ इसमें देखिए इसका जो होगा ना द्रव का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स के बीच स्पेस क्या होगा तो ज़्यादा होगा, याद यहाँ पे लिखना है आपको लिक्विड के कणों के बीच रिक्त स्थान सॉलिड के तुलना में क्या होगा ज़्यादा होगा, क्या होगा ज़्यादा, ठीक कोई दिक्कत, सॉलिड का कण के बीच क्या है रिक्त स्थान क्या है कम है ना, इसमें क्या होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा इसीलिए तो इसमें हाथ मारते तो देते हाथ निकल जाता ही नहीं निकल जाता, पानी में हाथ चला सकते हैं क्योंकि उसके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा है, वो हट जा रहा है डिस्प्लेस हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए तो हाथ हम लोग नहीं मार पाते, समझ में आ रहा है दीपा। अब इसका बताना, अब चौथा बताइए, इसका कणों के बीच अंतर आणविक बल ज़्यादा होगा कमज़ोर होगा, बल कमज़ोर हो गया इसलिए तो हम लोग दबा पा रहे हैं ना, हाथ मार पा रहे, अगर बल मजबूत होता तो कर पाते क्या, नहीं कर पाते है ना, हाथ में चोट लगता ठीक है। तो अब इसके कणों के बीच अंतर आणविक बल, अच्छा अंतर आणविक बल कम लिखना सही रहेगा, कंपेयर देना होगा ना, इसके कंपेयर में कम होता है, कणों के बीच अंतर आणविक बल किसके तुलना में, सॉलिड के तुलना में, पढ़ लीजिए इसको, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा साइंस अगर अच्छा करना है तो, ये सब पूरा नोट्स आपको मतलब कि हर एक पॉइंट में आपका क्वेश्चन है, इसमें बुक लगाइएगा ना तब आपको पता पड़ेगा, इसके बाद एमसीक्यू सीधा इसका लगाएंगे ठीक है। चौथा नंबर आप लोग बताइए, जैसे जैसे उसमें कर रहे थे, इसका घनत्व ज़्यादा हो कम होगा, किससे कंपेयर करेंगे सॉलिड से, इससे ज़्यादा इसका घनत्व होगा कम, ज़्यादा नहीं कम होगा ना इसका घनत्व, ये कम घनत्व, इसका घनत्व क्या होगा क्योंकि इसके बीच क्या है, इसके बीच क्या है आपका सॉलिड के बीच क्या, सॉरी लिक्विड के बीच स्पेस ज़्यादा है ठीक है, स्पेस क्या है ज़्यादा है ना, तो इसका घनत्व क्या होगा कम होगा, क्या होगा घनत्व कम होगा। जैसे मान लीजिए एक वो इतना बड़ा, जैसे कि एक किलो का ढेला और एक किलो का पानी, किससे ज़्यादा आदमी को चोट लगेगा, ढेला से, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, उसके पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं ना, माथा में तो फोड़ देगा, क्योंकि पानी से उतना नहीं लगेगा, उसका डेंसिटी क्या है कम है, समझ में आया, तो ये ध्यान देना है ना, तो क्योंकि उसका डेंसिटी कम है क्योंकि उसके बीच स्पेस ज़्यादा था ठीक है, याद रखना। तो द्रव का लिक्विड का घनत्व सॉलिड के तुलना में कम होता है, क्या दीपक पानी पिएगा, चांस है, रुको रुको ऐसा कर देते हैं, आएगा नहीं, यही तो पेशेंस है कि आप कितना मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं पढ़ लेते हैं, देखिए डेंसिटी हो गया दर, अच्छा डेंसिटी हो गया कणों के बीच, अच्छा इसके कण का विसरण इससे ज़्यादा हो कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए सॉलिड एगो पत्थर को मिक्स कीजिए, कब जिंदगी में मिक्स होगा क्या, क्योंकि इसके कणों में विसरण का गुण नहीं है, उसके कण एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाए, लेकिन एगो ही पानी है, शरबत है, चीनी वाला शरबत है ठीक है, और ये मान लीजिए दूसरा पानी को मिला नहीं सकते, एक स्याही को एगो पानी को मिला सकते क्योंकि इसके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा था, आराम से विसरण हो सकता है, डिफ्यूजन रेट क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, समझ में आया, तो विसरण का गुण सॉलिड के तुलना में ज़्यादा होता है, और उसमें विसरण होता ही नहीं है, सॉलिड में विसरण होता है बहुत साल बाद, कोई तांबा को तांबा से चिपका दीजिएगा ना तो बहुत साल बाद कुछ कण उसका इधर उधर आ जाए ठीक है, याद रखना, पी लो कोई बात नहीं होता, नींद तो नींद जाहिर से बात है नेचुरल है, फिर मिला हम 4 दिन रहे ना केदुआ में तो सोने का आदत हो गया, तो नहीं होता ये सोने का ही टाइम है, लेकिन
क्लास चल रहा है, पढ़ लीजिए। देखिए अब क्या क्या करेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड इज हायर देन सॉलिड, मतलब लिक्विड में, लिक्विड में डिफ्यूजन का दर सॉलिड के तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए एक सियाह अगर विसरण नहीं होता तो एक सियाही का मतलब मान ली एक लाल कलर का खून है, ठीक है, और पानी है, खून और पानी कभी मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता। दो तरह का लिक्विड आपस में कभी मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता। समझ में आ रहा है? तो याद रखना लिक्विड में, द्रव में, द्रव में विसरण का गुण, विसरण नहीं पराशरण, पराशरण का गुण, पराशरण को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, 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 द्रव में पराशरण दर सॉलिड की तुलना में, सॉलिड की तुलना में, सॉलिड की तुलना में कम या ज़्यादा? ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा कणों के बीच अंतर आणविक बल कम या ज़्यादा? कम, कम फोर्स कम लग रहा है इसलिए दूर दूर है। अच्छा इसके कण के बीच अंतर, अच्छा इसके कणों का ऊर्जा कम होता है कि ज़्यादा? ऊर्जा मतलब एनर्जी ज़्यादा है इसीलिए तो दूर दूर है। किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं हो रहा कहीं पे? सिंपल सा कहीं भी डाउट होगा। अच्छा एक चीज़ समझ में, कोई भी चीज़ सॉलिड है, कोई भी चीज़ को लिक्विड बोल दिए, उसके किसके गुण के कारण? उसके कण के गुण के कारण, उसके कण के लक्षण के कारण वो सॉलिड है, कण का लक्षण के कारण वो क्या है? लिक्विड है। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। लिक्विड स्टेट हो गया, इसका एग्जांपल क्या होगा बोलिए? अच्छा इसका एग्जांपल उदाहरण में क्या हो गया? पेट्रोल, क्या क्या होगा? पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, ठीक है। अच्छा आप लोग से एक क्वेश्चन पूछने वाला बहुत अच्छा है, वाटर मिल्क जूस है ना, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, डीजल, सब हो गया जितना लिक्विड है। अच्छा अब आप लोग से एक बात पूछते हैं, रबर, रबर समझ में आ रहा है? रबर तो है ना यहाँ पे, रबर सॉलिड है कि लिक्विड है आप लोग बताइए? रबर, हम सॉलिड पढ़ा दिए, हमको ये पूछे ना अभी ख्याल आया, रबर सॉलिड है कि लिक्विड है? रबर तो सर लिक्विड से सॉलिड में बना है, लिक्विड से सॉलिड में बना है, वो तो बन गया फाइनल। हम रबर का बात कर रहे हैं, फाइनल रबर या कोई स्पंज, स्पंज देख साइकिल का सीट में स्पंज है ना, वो सॉलिड है कि लिक्विड है? लिक्विड में, कैसे बताइए? साइकिल का सीट देखे हैं या स्पंज देखे हैं, है ना, स्पंज वाला वो लिक्विड है कि सॉलिड है, तो ये बताइए। ये जो रगड़ते हैं देह में वो भी जो स्पंज, वो भी क्या है? सॉलिड है कि लिक्विड? बोलो दीपक। सॉलिड होगा क्या होगा, सॉलिड कैसे होगा, अब हम बताते हैं। देखिए जब रबर को आप दबा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि रबर है, ये मान लीजिए रबर, इसको खींच रहे हैं तो खींचाएगा, लेकिन वापस अपना ही फिक्स शेप, अपना शेप। अच्छा सॉलिड का उदाहरण क्या है, सॉलिड का डिफिनेशन क्या है कि सॉलिड अपना शेप एंड साइज को क्या रहता है? फिक्स रहता, कभी बदलता नहीं। अब मान लीजिए रबर है चाहे स्पंज, खींचे कुछ देर बाद छोड़ेगा, अपना शेप एंड साइज में वापस आ गया, तो इसका मतलब अपना आकार को निश्चित रखा कि नहीं पहले ही जैसा, तो इसीलिए क्या है आपका? सॉलिड है। सॉलिड का उदाहरण ही बोलता है क्या है? इसका जो कण है ना एक जगह दूसरे डिस्प्लेस नहीं हुआ होगा, कण क्या होगा? डिस्प्लेस, घसका नहीं हुआ होगा, जैसे था वापस से वहीं पे रह गया होगा। समझ में आया? तो ये तो फोर्स, अगर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा? अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि स्पंज को घींच दीजिएगा तो घिंचा करके चौड़ा हो गया जाता है क्या? नहीं होता, भले हुआ टूट जाएगा लेकिन घिंचा के वैसा नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये ध्यान देना है? अच्छा वो तो इलास्टिसिटी गुण के कारण था, उसका कण कभी भी जैसे अरेंज है कण हमेशा वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो इलास्टिक गुण प्रत्यास्था होता है उसका, ठीक है, आपके मन में समझ में आया? ये यहाँ पे सॉलिड लिक्विड डिफ्यूजन लिक्विड हो गया। अच्छा इसका और एग्जांपल बोल, लिक्विड का और एग्जांपल क्या हो सकता है? अच्छा सॉलिड, सॉलिड का डिफ्यूजन किसके किसके साथ हो सकता है? सॉरी लिक्विड का डिफ्यूजन ये गैस के साथ मिल सकता है कि नहीं? लिक्विड में क्या गैस नहीं मिला सकते हैं आप? कोको कोला का बोतल में क्या है? पानी है, मान लीजिए पानी है, चीनी घोल है, इसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है कि नहीं मिला जाता? याद रखना द्रव गैस के साथ मिक्स हो सकता है, द्रव द्रव के साथ भी मिक्स हो सकता है, इसीलिए तो कोको कोला का बोतल खोलते तो पहले क्या निकलता है? गैस निकलता है, क्योंकि गैस का डेंसिटी इसके कंपेयर में क्या होता है? कम होता है, वो हमेशा ऊपर जाना चाहता है, निकलना चाहता है, ठीक है। गैसियस स्टेट पढ़ा दे, ख़त्म कर दें।
दीपक जैसा दीपक जो बोले वो करें कर दे। अच्छा नहीं कर दे रहे, कोई ना क्लास तो रिकॉर्ड रहेगा ही, देख लेगा ठीक है। बोरिंग लग रहा है क्या? देखिए कितना पॉइंट, इतना ही पॉइंट है। अब लिक्विड के बाद हम लोग चलते हैं। अरे हाँ हाँ खींचे, अरे तो खींच लेंगे। नहीं छोड़िए रिकॉर्डर, उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बीच में ठीक है। तो खींच लो, खींचो खींचो खींचे, आप लोग को लिखना है ना, लिखिएगा आप लोग मन से बनाएगा तभी बनेगा ये नोट्स, बहुत अच्छा बन जाएगा आप लोग ठीक है। हाँ एक को सुनो ना मोनू, तुम ही खींच के भेज दो ना पूरा सबको, एक ही को आदमी खींचो भेज ग्रुप में डाल। चलो ठीक है मिटा दें। अब लिक्विड के बारे में पढ़ें। अब इसके बाद लगाएंगे पता है इसका एमसीक्यू, जितना रेलवे में पूछा हुआ एमसीक्यू देखिए कैसे लगने वाला, सारा एमसीक्यू लगेगा लगभग। इंक भर लेते हैं, कितना कितना लंबा क्लास हो गया दीपक देखो तो, साढ़े बारह चूना मक्खन। चलिए अभी बहुत समय, 40 मिनट का, अभी तो लंबा जाना चाहिए। उम्मीद कर रहे साइंस आप लोग भरे हैं ना जो जो एग्ज़ाम में, टेक्नीशियन के लिए तो बेस्ट है, बाकी सब नहीं। टेक्नीशियन जो जो एग्ज़ाम के लिए साइंस है आपका, जीडी में भी तो साइंस है, साइंस का वेटेज सब में है, हल्का में नहीं लेना इसको। एक बार पढ़ लिए नोट्स मारे खत्म, उसके बाद कहीं नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं सॉलिड के पाँच, मतलब कि पदार्थ की पाँच अवस्थाएँ, सॉलिड पढ़ लिए, लिक्विड पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़े हैं, गैस के बारे में, द गैस गैस सिस्टम है ना, गैस गैस का क्या होता है ना देखते लिखते हैं। सबसे पहली बात गैस, सबसे पहले इसका आयतन और आकार के बारे में, तो गैस का आयतन निश्चित होता है क्या? वैसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित ना हो, आयतन मतलब वॉल्यूम, जैसे कि मान लीजिए कि इस सिलेंडर है, ये क्या आपका सिलेंडर है, अब इसमें हम चाहेंगे तो 1 लीटर भी गैस हटा सकते हैं और 4 लीटर भी गैस हटा सकते हैं, तो क्या उसका वॉल्यूम फिक्स था? 1 लीटर भी हट गया, 4 लीटर भी हट गया, लेकिन इसमें जब पानी हम हटाएंगे तो कितना हटेगा? 5 लीटर हटेगा, पूरा भरने की बात कर रहे हैं। अगर हम गैस भरेंगे तो 1 लीटर भी पूरे में भर जाएगा, 2 लीटर भी गैस डालेंगे तो क्या होगा? पूरे में ना भर जा रहा है, इसका आयतन को घेर ही ना ले रहा, तो आयतन फिक्स हो पा रहा है क्या दीपक? हम 1 लीटर भी गैस भरे तो पूरे में भर गया, 2 लीटर भी पूरे में भर गया, 3 लीटर भी पूरे, तो आयतन हर बार क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। तो गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है ना, तो आयतन इसका अनिश्चित, आयतन क्या होता है? अनिश्चित, डू नॉट फिक्स वॉल्यूम, डू नॉट फिक्स वॉल्यूम। अब दूसरा इसका बताइए, इसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब गैस का शेप एंड साइज, आकार क्या होता है? फिक्स होता है क्या? बदल जाता है जिससे। अच्छा बलून आप लोग खरीदे हैं, बलून दिल वाला भी मिलता है, उसमें दिल वाला भरे, गोल भी बलून मिला है, तो जिस शेप में बलून में डाले गैस उस शेप का ले लिया कि नहीं ले लिया, समझ में आ रहा है ना? तो गैस का क्या होता है? आयतन फिक्स नहीं होता, सॉरी आयतन भी फिक्स नहीं होता और आकार भी फिक्स नहीं होता, डू नॉट तो शेप एंड साइज डू नॉट फिक्स, शेप एंड साइज डू नॉट, शेप एंड साइज डू नॉट फिक्स, आकार आकार निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, ठीक है याद रखना है। अच्छा गैस के बारे में ये हो गया, अब इसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते, पहला नंबर उसमें जो दिए थे ठीक है। अब बताना पहला गैस में क्या होता है, अच्छा सॉरी लिक्विड में फ्लो हो सकता था, लिक्विड फ्लो होता था ना, अब बताना इसके बारे में, पहला हो गया, दूसरा पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, अब तीसरा गैस को कंप्रेस किया जा सकता है कि नहीं, अब आप लोग बताइए। दबाया जा सकता है सिलेंडर में ना, 5 लीटर हट रहा ना, तो 14 लीटर सिलेंडर में 14 लीटर भी हटा सकते हैं, 5 लीटर भी हटा सकते हैं कंप्रेस कर करके ठीक है। बलून में देखते हैं कंप्रेस करके बहुत सारा भर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि 5 लीटर एक बलून है बड़ा सा 5 लीटर का, तो 5 लीटर भर तो और प्रेशर बना के 6 लीटर भी हटा सकते थे, इसका मतलब गैस कंप्रेस हुआ, उसका जो मॉलिक्यूल्स था नज़दीक नज़दीक आया तो 1 लीटर को और ले लिया, समझ में आ रहा? तो गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, इसीलिए हाइड्रोलिक में गैस को ले सकते हैं क्या? नहीं, वो चिपक ना जाएगा तो फोर्स लगेगा, क्या होता है इफेक्ट? नहीं ना लगेगा, तो गैस क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी होता है, इसमें क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी है ना, यह क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है,
गैस क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। नहीं रहते हैं मिकी माउस वाला, हम गैस कम हो गया उसको भरिए ठूस के कंप्रेस करके, है ना, याद रखना। गैस क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है। और क्या होता है पहला? डू नॉट, अच्छा कंप्रेसिबल होने के कारण ये क्या करता है? फ्लो हो सकता है। अच्छा गैस में डिफ्यू, अच्छा पहले तो अणु के बारे में, अच्छा इनके गैस में अणुओं के बीच रिक्त स्थान क्या होता है? गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा कि कम? बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे कि मान लीजिए इस कंटेनर में गैस है, कोई गैस डाला, इसके ऐसे होगा फिक्स होगा कोई निश्चित तरीके से इधर उधर तैर, इसीलिए तो कोई गैस, जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं पे मीट बन रहा है, उसका स्मेल हमारे नाखून तक आ रहा है, क्योंकि उसके कणों के बीच रिक्त स्थान का बहुत ही ज़्यादा होता है, तैरते तैरते आराम से उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। तो गैस के अणुओं के बीच, गैस के कण, अच्छा गैस के कण के बीच, गैस के कणों, गैस के कणों के बीच बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान किसके तुलना में? द्रव और सॉलिड के तुलना में ज़्यादा होता, कंपेयर यहाँ पे लेना पड़ेगा ना, ज़्यादा होता के बीच रिक्त स्थान सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड की तुलना में ज़्यादा होता है। गैस का, गैस का अंतरणविक बल, अच्छा इसके बीच का फोर्स ऑफ दो कणों के बीच फोर्स बहुत ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ क्या? नहीं, अंतरणविक बल कमज़ोर होता है। इनके अंतरणविक बल क्या होता है? अंतरणविक बल, इसे अंतर पकड़ के ही नहीं रखा इसका पार्टिकल्स, इसलिए दूर दूर है, ठीक है। अंतरणविक बल कम होता है। अच्छा इसका बताइए, अंतरणविक बल कम है तो इसमें विसरण ज़्यादा होगा कम होगा? गैस आराम से फ्लो कर, पानी के कंपेयर में गैस नहीं फ्लो करेगा, है ना। एक पिचकारी में पानी लीजिए, एक पिचकारी में गैस, तेजी से कौन फ्लो होगा? गैस तुरंत फ्लो हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो गैस में विसरण ज़्यादा होता है, विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। जा रहे क्या सर? रुकिए, हो गया ख़त्म, बस लास्ट है। 5 मिनट 10 मिनट 1 2 3 4 5 6 लास्ट है, लिखना है ना सब। अच्छा अंतरणविक बल हो गया, डिफ्यूज़न हो गया, अच्छा डेंसिटी क्या होगा इसका? डेंसिटी घनत्व लिखा है क्या? घनत्व, घनत्व किसके तुलना में कम, ज़्यादा कि कम? घनत्व कम होता है, हाँ घनत्व सॉलिड और लिक्विड की तुलना में, तुलना में कम होता। और बताइए कुछ पॉइंट है क्या इसमें? डेंसिटी हो गया लेस देन द इट्स सॉलिड फ्रॉम, चलिए इसका गैस का हो गया, अच्छा गैस का एग्जांपल क्या होगा बोलिए? और अच्छा गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसके कणों की गतिज ऊर्जा, हर एक कण का गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है ना, इसीलिए अगरबत्ती जलाएं है तो उसका स्मेल तुरंत हमारे पास, कण में गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, स्पेस कम है, उसको बल पकड़ के कमजोर है ना, तो कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसीलिए रैंडमली क्या करते रहता है? कण मूव करते रहते हैं ना, एक जगह दूसरी जगह। कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, जहाँ इंग्लिश लिखना था वहाँ लिख दिया पहले। कणों की, कणों मतलब क्या? पार्टिकल्स। कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। जो जो की पॉइंट था इसका हम सारा बुक का लिखवा दिए, ठीक है, जो जो की पॉइंट था आपका। कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसका एग्जांपल, अच्छा अच्छा कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है ना, कोई भी गैस कैसे गतिज ऊर्जा ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए कंटेनर है, कैसे पता चलेगा इसे गतिज ऊर्जा? कोई भी कंटेनर, कंटेनर में कोई छेद कर दीजिए, देखते हैं कैसे तो तेज़ी से निकलता है रैंडमली, तो है ना। और ये प्रेशर भी दीवार पे लगा रहा होता है, ठीक है, कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा बोलिए? एलपीजी गैस, सीएनजी गैस हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एयर ईटीसी, ठीक है, दुनिया का जितना भी गैस है सारा ये हो जाएगा, समझ में आया यहाँ तक? तो ये हो गया आप लोगों का क्लास, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, कुछ भी लिख दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया,
ठीक है, ये सब आपका गैस का प्रॉपर्टी है। इसको क्या करना है आप लोग को, है ना, अच्छा कणों के बीच का रिक्त स्थान ज़्यादा, उसको फोटो खींच लीजिए। इसको आप लोग नोट डाउन बहुत अच्छे तरीके से बना करके लाइए। गैस का स्टेट खत्म हो गया, अच्छा गैस अगर बताइए, गैस में विसरण नहीं होता तो क्या नुकसान होता है? क्या गैस में विसरण मतलब पराशरण, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने का गुण नहीं होता, गैस का कण एक जगह से दूसरे ट्रांसफर होता तो क्या नुकसान होता है कि फ़ायदा होता? आप और हम जिंदा ही नहीं रहते, रहते क्या जिंदा, हवा ले ही नहीं पा, हवा ले लिया हवा जाइए ना रहे यहाँ से, सॉलिड मान लो सॉलिड हवा, हवा सॉलिड होता था यहीं अटक के रहता, निकलना पड़ता उसको, है ना। गैस में विसरण, नाक पास तो गैस, अब विसरण है ना तो गैस का पार्टिकल जाइबे नहीं करे फेफड़ा तक, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना विसरण है, इसीलिए हम लोग को अगर गैस में विसरण नहीं होता तो क्या होता, अगर बत्ती का स्मेल हमारे पास नहीं आता, सब्जी का स्मेल हमारे पास नहीं आता, किसी भी चीज़ का स्मेल हम लोग नहीं ले पाते, गैस वहाँ से लीक हुआ पता नहीं चल रहा है हमको, विसरण वो खत्म ना। अच्छा एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस देखे हैं, अच्छा बहुत सारा गैस स्मेल लेस होता है, क्या होता है, बहुत सारा गैस स्मेल लेस भी होता है, ये भी ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल पढ़ाएंगे हम लोग रिजिडिटी फ्लूडिटी। देखिए खत्म हो गया आज कितना क्लास आप लोग खत्म हुआ, ये बचा हुआ उसके बाद ख़त्म, कल पढ़ाएं कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड क्यों बदला और लिक्विड से गैस में क्यों बदला, फिर लैटेंट हीट भी पढ़ेंगे, गुप्त ऊष्मा भी पढ़ेंगे, ठीक है, इवापोरेशन और वाष्पोरेशन में क्या डिफरेंस है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, कल के क्लास में बहुत आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा कल का, इसको नोट्स करना है क्योंकि बहुत अच्छा था। कल बताएंगे टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, आप लोग अपना नाम का टेम्परेचर बना सकते हैं, दीपक अपना नाम का टेम्परेचर, थर्मामीटर में लिख देगा दीपक, इसको जैसे सेल्सियस में नापते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी का बुखार है 10 डिग्री सेल्सियस, दीपक अब बोला नहीं सेल्सियस को हटाओ मेरा नाम होना चाहिए 10 डिग्री दीपक, ऐसे तुम भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। तो ये कल बताएंगे, कल जाना सी बाई एफ रखते थे ना आप लोग, सी बाई 100 एफ बाई 19 जो भी हो, इसको रटना नहीं, इसको बनाने कल सिखा देंगे, मोनू अपना नाम का टेम्परेचर बना ले मतलब कि थर्मामीटर, ये कर सकते हैं, ठीक है, कल बता देंगे कैसे बनता, वो आया कैसे, उसका ओरिजिन हुआ कहाँ से, ठीक है, बहुत लोग को नहीं पता रहता है, लगभग 90% लोगों को वो चीज़ पता नहीं होगा।